दर्शकों को याद दिला दूं कि 2004 की जो यूपीए वन सरकार बोली जाती है, जिसमें मनमोहन सिंह साहब बने थे, 145 ही सीटें थी, जो लोग आज भी याद करते हैं, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की सरकार, सीटें 145 ही आई थी, और इनकी सीटें 139 आई थी, 139 या 138, 6-7 सीटें कम थी, लेकिन सरकार मानी जाती है कांग्रेस की। मैं एक चीज और, मैं संदीप भाई साहब आपके पास आने से पहले एक चीज जरा दर्शकों से और बात कर लूं, क्योंकि देखिए एक तो चेंज हो गया है, एक चेंज ये हो गया है कि कम से कम लोग बात तो कर रहे हैं कि ऑपोजिशन के पास भी चांस है अगर वो झगड़ा ना करे तो, नहीं तो अभी तक ये एक नैरेटिव था 2024 भूल जाओ, अब 2029 में बात करना। इसी देश में एक महीने पहले तक हम और आप सब जगह जाते थे, इस लोग अरे अरे 2024 नहीं, अब तो 2029 की बात करो, लेकिन अब ये बात होने लगी है पिछले एक महीने से कि अगर ये लोग एक जगह आ जाते हैं तो, और लोग ये कहते हैं अगर अगर बार बार जोड़ते हैं तब ये हो सकता है। मैं जो आपसे मुझे मुझे एक चीज समझनी है संदीप जी, क्योंकि आप उस विचारधारा से बहुत दिनों से लड़ रहे हैं, राहुल गांधी ने भी थोड़ा गोलपोस्ट चेंज किया है, वो मोदी हटाओ की जगह अब वो देखिए तो कह रहे हैं आरएसएस और बीजेपी की नीतियों को हटाने के लिए कांग्रेस, पहले वो कहते थे केवल कांग्रेस सक्षम है, कल से वो कह रहे हैं कांग्रेस और विपक्षी दल मिलकर ही इनसे लड़ सकते हैं। और इसमें आपसे मुझे पूछना है कि वो जो सिविल सोसाइटीज की भूमिका को एक्नॉलेज किया है, पहली बार किसी किसी जगह सिविल सोसाइटीज की भूमिका को इतने व्यापक स्तर पे एक्नॉलेज किया है, इसका उनको क्या लाभ मिलेगा? संदीप पांडे भाई साहब, ये आनंद जी आपने अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस पार्टी नागरिक समाज को अपने साथ लेके चलने की कोशिश कर रही है। आपको याद होगा जब 2004 में अप्रत्याशित रूप से कांग्रेस की सरकार बन गई थी, क्योंकि तब अटल बिहारी वाजपेयी इंडिया शाइनिंग के नारे पे वापस आने की कोशिश कर रहे थे और कांग्रेस खुद नहीं मान रही थी कि वो जीत पाएगी, वो तो पहले राउंड की मतदान के बाद लोगों को समझ में आया कि भाजपा जा रही है। तो उस समय भी सरकार बनने के बाद आपको याद होगा कि सोनिया गांधी की एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति बनी थी, जिसमें अरुणा रॉय, जॉन ड्रेस, हर्ष मंदर और इस तरह के तमाम लोगों को शामिल किया गया था, जिनकी वजह से मनमोहन सिंह सरकार ने कुछ बहुत ही अच्छे कानून इस देश के लिए बनाए। एक तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन किया जो थोड़ा किसान पक्षीय था, एकदम जो मेधा पाटकर जी और उनके साथी मांग रहे थे वो नहीं माना था, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा किसान पक्षीय बनाया था। मनमोहन सिंह का सबसे बड़ा योगदान था वन अधिकार अधिनियम, जिसमें आदिवासियों को पहली बार, अंग्रेज सरकार ने जब सारे जंगल सरकार के नाम कर लिए थे, पहली बार आदिवासियों को जंगल के अंदर भूमि अधिकार मिला था। फिर सूचना के अधिकार का तो अधिनियम बहुत ही चर्चा में रहा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया, रेड़ी पटरी दुकानदारों के लिए अधिनियम आया, जो लोग नाली में उतर के सीवर गटर की सफाई करते हैं उनके लिए अधिनियम आया। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे अधिनियम, ये नागरिक समाज की योगदान थे, क्योंकि मनमोहन सिंह भी नहीं चाह रहे थे सूचना का अधिकार अधिनियम, और मैं तो खुद एक हफ्ता अनशन पे बैठा हूँ जब वो उस कानून को हल्का करने की कोशिश कर रहे थे। तो नागरिक समाज का यही योगदान था। देखिए, नागरिक समाज के पास कोई जनाधार नहीं है, उनका कोई ऐसा वोट बैंक नहीं है जिससे कांग्रेस को बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन वो कांग्रेस के समर्थन में एक हवा बनाने की कोशिश कर सकता है। मुझे याद है 2004 के चुनाव में भी हम सब लोग खड़े होके यहाँ लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ पर्चे बांट रहे थे, तो सारा नागरिक समाज सड़कों पे उतरा था, क्योंकि उस समय भी यही खतरा दिखाया जा रहा था कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा आ जाएंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ये पहली बार नहीं है कि इस तरह का खतरा दिखाया जा रहा है, तो नागरिक समाज निश्चित रूप से इस बार उतरेगा, और जैसा हमारे पहले बोलने वाले साथियों ने कहा, कांग्रेस के बिना किसी भी विपक्षी एकता की कल्पना नहीं की जा सकती है। दावेदार तो बहुत सारे हैं, लेकिन
कांग्रेस की एक एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी सबको साथ में लाने की और लेके चलने में। आपको याद है भी 27 अगस्त को हम लोगों ने जो कार्यक्रम लखनऊ में कराया था उसमें समाजवादी पार्टी के राम गोविंद चौधरी जी ने साफ कहा कि भाई कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, वो सबको साथ में लेके चले। तो अब उसमें जो जो अड़चने हैं जिसका जिक्र पहले ब्रजेश सिंह जी ने किया, राकेश भाई ने किया, उन सब बाधाओं को पार करके आगे बढ़ना है। तो नागरिक समाज की तो यही भूमिका है कि वो इस पूरी विपक्षी एकता का साथ दे और अपने अपने इलाके में उसका एक माहौल बनाने की कोशिश करे। उसके पास वोट नहीं है, ये बात बहुत साफ है, वो सिर्फ उसके पक्ष में माहौल बना सकती है। प्रोफेसर संदीप पांडे, आपसे एक चीज और पूछ लें, क्योंकि ये बात थोड़ी राहुल गांधी की भी आ गई है, जिसको कहते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की, तो अभी तक वो कहीं गुफा में जाके मोदी जी कभी ध्यान कर रहे हैं, कैमरे भी जा रहे हैं साथ में, फिर कभी वो विवेकानंद जी वहां चले जा रहे हैं, रामकृष्ण मठ में चले जा रहे हैं, आधे रात में 8-10 घंटे के लिए जा रहे हैं, नेक्स्ट डे आश्रम के लोग कह रहे हैं साहब ये जबरदस्ती हमारे यहाँ सुबह आ गए थे जहां पे आना नहीं था, कैमरा वैमरा लेके वो। तो इसकी जगह जो जो मैं फिर अगर जोड़ रहा हूं, अगर राहुल गांधी 150 दिन चल लेते हैं तो उनका कनेक्ट आम आदमी से क्या ज्यादा हो जाएगा, एक तो प्रश्न यह है आपसे। दूसरा एक चीज और पूछना है, क्योंकि जैसा इन लोगों ने कहा कि नहीं ये मंडल की बात नहीं है, क्या ये भी एक धीरे धीरे, आप भी घूम रहे हो समाज में, मैं भी घूम रहा हूं, कि ये बीजेपी सब कुछ होने के बाद भी आज एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं, एक भी दलित अध्यक्ष नहीं, एक भी महिला मंत्री मुख्यमंत्री नहीं, तो ये थोड़ा इन लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रोफेसर संदीप पांडे, दोनों चीजें, पहला ये जो इवेंट है अगर राहुल गांधी पूरा चल लेते हैं तो कितने बड़े नेता, और दूसरा दलित और महिला विरोधी जो एक इनका वो है वो कितना। देखिए आनंद जी, ये एक तो जो राकेश जी ने भी और उसके पहले विजय जी ने राहुल गांधी के बारे में जो कहा, मैं थोड़ा सा अलग राय रखता हूँ। राहुल गांधी से मेरी एक बार मुलाकात है और मैं ये मानता हूँ कि बहुत ईमानदार आदमी, और वो घटना भी बता दूँ, 2004 के बाद कांग्रेस का चिंतन शिविर था और उसमें मुझे वक्ता के रूप में बुलाया गया था। लंच में उन्होंने पूछा, मैं था, एनसी सक्सेना साहब थे, सुधा पाई थी और एक कानपुर के शर्मा जी थे, उन्होंने पूछा हमारा खोया हुआ दलित वोट बैंक वापस कैसे आए, और मैंने ये कहा कि भाई आपके कार्यकर्ताओं को वो काम करना पड़ेगा जो हम लोग करते हैं, यानी कि सरकारी योजनाओं का लाभ गरीब को मिले, और गरीब ज़्यादातर दलित है तो भाई उसको लाभ मिलेगा तो वो आएगा। तो उन्होंने कहा आप ये 300 लोगों को देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें से 90% ब्राह्मणों के लड़के हैं, आप सोचते हैं कि ब्राह्मण के लड़के जाके दलितों के लिए काम करेंगे? और फिर उन्होंने बताया कि जब वो अमेठी में जाके जिलाधिकारी को कहते हैं कि किसी दलित के घर हैंडपम्प लगा दो, और अगली बार जाते हैं तो देखते हैं कि वो हैंडपम्प कहीं किसी ब्राह्मण या ठाकुर के घर पर लगा हुआ है, तो इस तरह की जमीनी समझ उस आदमी को है ये मुझे अंदाज़ा नहीं था। और बहुत ईमानदारी से, और मुझे ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये जानते हुए कि उनके कार्यकर्ता सब नकारा है, उसके बाद भी उनका वो चिंतन शिविर करा रहे थे, तो वो प्रयास कर रहे थे कि पार्टी थोड़ी बेहतर बने। लेकिन मैं एक जो उनमें कमी देखता हूँ कि वो लग के काम नहीं करते हैं। जैसे एक बार दलितों के घर रात को रुकने का उन्होंने फैसला किया और कई घरों में रुके भी, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वो प्रक्रिया बंद हो गई। अरे भाई, अगर आप गांधी हैं या गांधी के करीब भी पहुंचना चाहते हैं तो वो काम आपको लगातार करते रहना चाहिए था ना। पिछले चुनाव में मोदी के खिलाफ इतना आक्रामक प्रचार किया उन्होंने मोदी को लेके कि ये चौकीदार चोर है, और रफेल को लेके, लेकिन चुनाव खत्म होते ही एकदम ठंडे पड़ गए। अरे भाई, अगर उसमें कुछ सच्चाई थी कि रफेल में घोटाला हुआ है तो उसको आपको एक परिणति तक पहुंचाना चाहिए था ना। तो ऐसा लगने लगता है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो उसका ये बात, इससे मैं सहमत हूँ विजय भाई और राकेश जी की बात से कि वो शायद प्रधानमंत्री कभी नहीं बनेंगे, और ना सोनिया गांधी तो बनेंगी ही नहीं, लेकिन इसकी वजह दूसरी है।
इसकी वजह यह है कि उनकी जान को भी खतरा है। तो मुझे तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बोला है कि जिस दिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे वो बहुत ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। तो ये हकीकत को भी वो समझते हैं कि भाई उनकी दादी गई हैं, उनके पिताजी गए हैं, ये खतरा उनके परिवार के ऊपर है। तो उनको अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि वो कांग्रेस पार्टी को एक रखने में केंद्रीय भूमिका है, लेकिन वो भूमिका थोड़ी ईमानदारी से उनको निभानी चाहिए। वो जो ये बीच बीच में छोड़ के भाग जाते हैं, ये एक छवि बन गई है, ये ठीक नहीं है। और बाकी जो बात आपने कही ये बात बिल्कुल सही है कि दलितों को या जो भारत के वंचित वर्ग हैं उनको अभी भी पूरी जगह पूरा सम्मान राजनीतिक दलों में नहीं मिला है। बल्कि भाजपा के ये एक विडंबना है कि ये तथाकथित सवर्णों की पार्टी, बनिया ब्राह्मणों की पार्टी, इसने बड़ी चालाकी से अन्य पिछड़ा वर्ग और दलितों को साथ में लेके कई राज्यों में और राष्ट्रीय स्तर पे भी सरकार बनाई है। और नरेंद्र मोदी इतने लंबे समय तक है तो उसमें निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का तो समर्थन है और जो भाजपा की का जो भी ढांचा है उसका समर्थन है, लेकिन उसमें एक बड़ी भूमिका उनके अन्य पिछड़ा वर्ग से होने की भी है। जिस वजह से आप देखिए उत्तर प्रदेश में कितने नेता और कितने मंत्री जो है अन्य पिछड़ा वर्ग और दलित समुदाय से आते हैं। हालांकि ये इनकी मतलब चालाकी ये कहिए, होशियारी कहिए कि किस तरह से ये सारी चीज़ को मैनेज करते हैं कि सबको मालूम है कि ये सिर्फ हिंदू धर्म के वर्चस्व को नहीं चाहते हैं बल्कि पूरी जाति प्रथा के साथ उस वर्चस्व को स्थापित करना चाहते हैं। और भंवर मेघवंशी की किताब पढ़ने से ये बात समझ में आ जाती है कि जाति प्रथा से मुक्ति ये नहीं चाहते, लेकिन इन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग और दलित समुदायों के नेताओं को अपने पूरे ढांचे में जगह दी है। और अभी तो फिलहाल उसको ये लग रहा है कि हमारा हमको सम्मान यहीं पे मिल रहा है। तो जबकि कायदे से देखा जाए तो कांग्रेस ने इस तरह की राजनीति की शुरुआत की थी जिसमें दलितों को, वंचितों को, पिछड़ों को जगह दी थी, और समाजवादियों की देन है कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिला जिसका श्रेय वीपी सिंह को जाता है जो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया, लेकिन आज उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। तो ये अपने देश की राजनीति का एक प्रमुख पहलू है और कोई भी पार्टी जो सत्ता में आना चाहती है उसको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। महिलाएं अब महत्वपूर्ण हो गई हैं, अब वो जमाना नहीं है जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नर नारी समानता की बात करते थे लेकिन कोई नारी आंदोलन देश में नहीं हुआ करता था। इस समय नारियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और उनको भी राजनीतिक दलों में सम्मानपूर्वक जगह मिलनी चाहिए। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख के ही अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। और जैसा मैंने कहा, जो भी दल आकांक्षी है सत्ता का उसको इस तरह के गठबंधन बनाने पड़े। एक चीज सिर्फ संदीप भाई साहब, आप लोगों से एक एक सेंटेंस में, आप और ब्रजेश जी से, चारों लोगों से केवल एक सेंटेंस, क्योंकि मैं जो आपने कहा ना कि राहुल गांधी का प्रमुख कारण प्रधानमंत्री, अगर ये हम लोग सब एक अटकल की बात कर रहे हैं तो उसका एक प्रमुख कारण उनको जान का खतरा भी रहेगा। मैं ऐसा मानता हूं कि आज भी जिस तरह से वो बाहर निकल रहे हैं आज वो ज्यादा असुरक्षित हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि वो शायद उनका मन ना करे, वो कहीं और चल दें, और वो शायद आध्यात्म के उस पे हैं जहां क्या हार क्या जीत, क्या दुश्मन क्या अपना ये। और अगर वो ईमानदारी से कह रहे हैं कि वो मेरा दुश्मन नहीं है तो वो इतनी सच्चाई है, जैसे इधर है ना कि दुश्मन है इसको निस्तंभूत कर दो, बुलडोजर चला दो, मेरे ख्याल में राहुल गांधी के रिजीम में बुलडोजर नहीं चलेगा। तो मैं जरा एक एक लाइन में आप सब लोगों का, आप लोगों को लगता है कि राहुल गांधी को जान के खतरे की वजह से वो कभी मैदान छोड़ देंगे? मैं एक लाइन में संदीप भाई साहब आपसे शुरू कर रहा हूं। नहीं, मैदान तो नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उनको ये जिम्मेदारी का एहसास है कि कांग्रेस पार्टी को एक रखने में उनकी एक भूमिका है और वो भूमिका वो निभा रहे हैं। बस एक बात मैं और कह दूं, ये जो आर्थिक नीति के ऊपर चर्चा हो रही है, मुझे नहीं लगता कि आज के भारत में या पूरी दुनिया के किसी भी देश में कोई भी सरकार ऐसी बन सकती है
जो नई आर्थिक नीतियों को ना माने। अगर कांग्रेस जीतती भी है तो प्रधानमंत्री ऐसा ही आदमी बनेगा मनमोहन सिंह जैसा, जिसे विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा निर्देशित नीतियों का ही पालन करना पड़ेगा। इसलिए इसकी कल्पना न कीजिए कि ये आर्थिक नीतियां बदल जाएंगी।